हेलो बच्चों, मैं आपके मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 3 का 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन SST का कक्षा 3 का 10वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे सहयोगी। परिचय में दिया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को बेहतर बनाने के लिए कई सहयोगियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह सहयोगी अपनी सेवाओं के से समाज को शिक्षित, सभ्य, प्रगतिशील तथा उन्नत बनाने के साथ साथ अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें अनेक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों हम रोज़ दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम बच्चों अकेले नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न कार्यों में हमारी सहायता करने वाले लोग सहयोगी कहलाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, डाकिया, पुलिस आदि हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। सबसे पहला है बच्चों डॉक्टर। जब हम अस्वस्थ होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्चों जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हमें अस्वस्थ होने का कारण बताता है तथा उसके लिए आवश्यक दवाइयाँ देता है। चोट लगने पर वह हमारी मरहम पट्टी भी करता है। डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के मरीजों का इलाज करता है। इस कार्य में कंपाउंडर और नर्स उसकी सहायता करते हैं। बच्चों डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के हमारा इलाज करता है। इस कार्य को करने में उसको कंपाउंडर और नर्स उसकी सहायता करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं, हृदय से संबंधित रोगों के डॉक्टर को हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। दूसरा है बच्चों शिक्षक। शिक्षक विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं। विद्यालय के विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ हमें अच्छी बातें व शिष्टाचार भी सिखाते हैं। शिक्षक बच्चों विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यालय में वे विभिन्न विषयों के साथ साथ ज्ञान के साथ 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 अच्छी आदतें व शिष्टाचार भी सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हमें खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि में भी निपुण बनाते हैं। शिक्षक सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता करते हैं तथा हमारा भविष्य संवारते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन काल में विद्यार्थी बच्चों गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है बच्चों डाकिया। डाकिया यानी पोस्टमैन। डाकिया संदेशों को हमारे मित्रों एवं संबंधियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्र लिखने के पश्चात पत्र पेटी में डाल दिए जाते हैं। यहाँ से डाकिया पत्रों को एकत्रित कर डाकघर ले जाता है। डाकघर में स्थानों, अब अपन आते हैं बच्चों अगले पेज पे। डाकघर में स्थानों के आधार पर अलग अलग शहरों के बंडल बनाकर उन्हें यथास्थान पहुँचाया जाता है। उस स्थान पर पहुंचने के पश्चात वहां का स्थानीय डाकिया इन पत्रों को उन पर अंकित पते पर पहुंचाता है। पत्रों के अतिरिक्त वे पार्सल, मनी ऑर्डर, टेलीग्राम आदि भी पहुंचाता है। वे अपने कार्य को पूरी लगन व कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है। बच्चों क्या आप जानते हैं, डाक विभाग के उच्चाधिकारी को डाकपाल कहते हैं। आपने क्या सीखा, रिक्त स्थान भरिए। हृदय से संबंधित रोगों के डॉक्टर को कहते हैं। हृदय से संबंधित रोगों के डॉक्टर को हृदय विशेषज्ञ कहते हैं। नंबर 1 के खाली स्थान में बच्चों हृदय विशेषज्ञ लिखना है। नंबर 2 पे है, प्राचीन काल में विद्यार्थी में रहकर ग्रहण करते थे। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले खाली स्थान में गुरुकुल लिखना है और दूसरे में शिक्षा। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। नंबर 3 पे है, पत्र लिखने के पश्चात में डाल दिए जाते हैं। पत्र लिखने के पश्चात में डाल दिए जाते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों पत्र पेटी लिखना है। पत्र लिखने के पश्चात पत्र पेटी में डाल दिए जाते हैं, जिसको लेटर बॉक्स कहते हैं। नंबर 4 पे है बच्चों, डाक विभाग के उच्चाधिकारी को डाकपाल कहते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों डाकपाल भरना है, डाक विभाग भरना है, सॉरी, डाक विभाग के उच्चाधिकारी को डाकपाल कहते हैं। अगला अगला है बच्चों पुलिस।
पुलिस नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। वे हमारी जान माल आदि की रक्षा करती है तथा चोरों और अपराधियों को भी पकड़ती है। वह त्योहारों, मेलों व अन्य कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण के लिए भी पुलिस होती है, जिसे बच्चों ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जो सड़क यातायात को नियंत्रित करती है। यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने वाली पुलिस को यातायात पुलिस कहते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस। अगला है बच्चों पायलट। पायलट माने विमान चालक, हवाई जहाज को जो चलाता है बच्चों उसको पायलट कहते हैं। पायलट हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि उड़ाने का कार्य करता है। वे हवाई मार्ग द्वारा विमान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाता है। इस कार्य में सह पायलट उसकी सहायता करता है। उड़ान के समय पायलट हवाई अड्डे के ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में रहता है। बच्चों के आप जानते हो लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट को फाइटर पायलट कहते हैं। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। वास्तुकार, आर्किटेक्ट। वास्तुकार भवनों को सुंदर आकार तथा रूप देने का कार्य करता है। नक्शा बनाने के लिए वह निश्चित स्थान की परिमाप लेता है तथा उसी के अनुरूप नक्शा बनाता है। अगला है बच्चों इंजीनियर। इंजीनियर वास्तुकार के बनाए गए नक्शे के अनुसार कार्य करता है। वे भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, सरिया आदि की मात्रा का परीक्षण करता है। इंजीनियर अपनी निगरानी में निर्माण स्थल पर कार्य करवाता है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों भिन्न भिन्न कार्यों में सहायता करने वाले लोग सहयोगी कहलाते हैं। डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के मरीजों का इलाज करता है। शिक्षक सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता करते हैं। डाकिया अपने कार्य को पूरी लगन व कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है। पुलिस नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में नंबर कापे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर एक पे है मरीजों के उपचार में डॉक्टर की सहायता कौन करते हैं। इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर एक पे है नर्स, नंबर दो पे है कंपाउंडर, नंबर तीन पे है दोनों। तो इसका सही आंसर है बच्चों दोनों। मरीजों के उपचार में डॉक्टर की सहायता कौन करते हैं, नर्स और कंपाउंडर दोनों। तो इसका सही आंसर है नंबर तीसरे पे जो दोनों लिखा हुआ है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर दो पे है बच्चों शिक्षक विद्यालय में क्या कार्य करते हैं। इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक है शिक्षण का, नंबर दो है लेखन का, नंबर तीन है दोनों का। तो शिक्षण का मतलब होता है बच्चों शिक्षा देने का, पढ़ाने का। तो शिक्षक विद्यालय में क्या काम करते हैं, इसका सही आंसर है बच्चों नंबर एक पे जो शिक्षण लिखा हुआ है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों नंबर तीन की तरफ चलते हैं। संदेशों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर एक पे है डाकपाल, नंबर दो पे है डॉक्टर, नंबर तीन पे है डाकिया। इसका सही आंसर है बच्चों डाकिया। नंबर तीन पे जो डाकिया लिखा हुआ है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। संदेशों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डाकिया। नंबर चार पे आते हैं बच्चों यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने वाली पुलिस को क्या कहते हैं,
यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने वाली पुलिस को क्या कहते हैं? इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर एक पे है यातायात पुलिस, नंबर दो पे है डॉक्टर, नंबर तीन पे है पुलिस। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर एक पे जो यातायात पुलिस लिखा हुआ है वो सही आंसर है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने वाली पुलिस को क्या कहते हैं? यातायात पुलिस, नंबर एक के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों चलते हैं नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डाकघर, दैनिक पत्र पेटी, अस्वस्थ पुलिस और शिक्षक। नंबर एक पे है बच्चों रिक्त स्थान में, नंबर एक पे है हमें अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं, हम अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को दैनिक लिखना, दैनिक माने रोज प्रतिदिन, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। नंबर एक के खाली स्थान में अपने को दैनिक लिखना है। नंबर दो का है बच्चों डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हमें होने का कारण बताता है। नंबर दो पे है डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हमें होने का कारण बताता है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों अस्वस्थ भरना है, अस्वस्थ लिखना है। नंबर दो के खाली स्थान में अपने को अस्वस्थ लिखना है। डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हमें अस्वस्थ होने का कारण बताता है। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर तीन पे है शिक्षक हमें खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि में भी निपुण बनाते हैं। हमें खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि में भी निपुण बनाते हैं। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों शिक्षक भरना है। नंबर तीन के खाली स्थान में हमें शिक्षक लिखना है। शिक्षक हमें खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि में भी निपुण बनाते हैं। नंबर चार पे है बच्चों डाकिया से पत्रों को एकत्रित करके ले जाता है। डाकिया, इसके आगे लिखना है खाली स्थान में अपने को बच्चों पत्र पेटी, नंबर एक पत्र पेटी लिखना है और दूसरे खाली स्थान में हमें डाकघर भरना है। पहले में पत्र पेटी, दूसरे में डाकघर। डाकिया पत्र पेटी से पत्रों को एकत्रित करके डाकघर ले जाता है। नंबर पाँच पे है नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों पुलिस भरना है। पुलिस नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। नंबर चार के खाली स्थान में हमें पुलिस भरना है। अगले नंबर गा की तरफ चलते हैं बच्चों। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर एक पे है हम अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकते हैं, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर एक के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है, हम अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकते हैं, गलत, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर दो पे है बच्चों डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के मरीजों का इलाज करता है, ये सही है, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर दो के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। डॉक्टर के बिना किसी भेदभाव के मरीजों का इलाज करता है, राइट का निशान लगाना है। नंबर तीन पे है बच्चों पायलट रेलगाड़ी चलाता है, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। पायलट रेलगाड़ी चलाता है, गलत, नंबर तीन के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर चार पे है बच्चों सह पायलट उड़ान भरने में पायलट की सहायता करता है, ये सही है, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर चार के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। सह पायलट उड़ान भरने में पायलट की सहायता करता है, सही। नंबर पाँच पे आते हैं बच्चों निर्माण स्थल पर मजदूर कार्य को अपनी निगरानी में करवाता है, ये गलत है बच्चों, तो इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर पाँच के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। निर्माण स्थल पर मजदूर कार्य को अपनी निगरानी में करवाता है, ये गलत है, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब चलते हैं बच्चों नंबर घा की तरफ। सही मिलान कीजिए। नंबर आ पे लिख रहा है बच्चों शिक्षक, नंबर दो पे डाकिया, नंबर तीन पे पायलट, नंबर चार पे वास्तुकार। नंबर बा की तरफ लिख रहा है बच्चों हवाई जहाज उड़ाता है, भवन का नक्शा बनाता है, शिक्षण का कार्य करते हैं, संदेशों को पहुंचाता है, इनको अपने को मिलाना है।
नंबर एक पे शिक्षक लिख रहा है, तो शिक्षक क्या कार्य करता है बच्चों, शिक्षण का कार्य करते हैं। तो नंबर बा में जो तीसरे नंबर पे लिख रहा है शिक्षण का कार्य करते हैं, वहाँ पे अपने को एक लिखना है, शिक्षक शिक्षण का कार्य करते हैं। नंबर दो पे है डाकिया, डाकिया क्या करता है बच्चों, संदेशों को पहुँचाता है। तो बा के जो आखिरी में लिख रहा है संदेशों को पहुँचाता है, वो वहाँ पर अपने को दो नंबर लिखना है, डाकिया संदेशों को पहुँचाता है। तो बा नंबर पे जो आखिरी में लिख रहा है उस वहाँ पे अपने को दो लिखना है। नंबर तीन पे है पायलट, पायलट क्या करता है बच्चों, हवाई जहाज़ उड़ाता है। तो सबसे पहला जो लिख रहा है बा में हवाई जहाज़ उड़ाता है, वहाँ पे अपने को तीन नंबर लिखना है, पायलट क्या काम करता है, हवाई जहाज़ उड़ाता है। तो बा पे पहले नंबर पे हवाई जहाज़ उड़ाता है, वहाँ पे अपने को तीन नंबर लिखना है। नंबर चार पे है बच्चों वास्तुकार, वास्तुकार क्या करता है, भवन का नक्शा बनाता है। तो नंबर बा में जो दूसरे नंबर पे भवन का नक्शा बनाता है लिख रहा है, वहाँ पे अपने को चार नंबर लिखना है। शिक्षक क्या काम करता है, शिक्षण का कार्य करता है। डाकिया क्या करता है, संदेशों को पहुँचाता है। पायलट क्या करता है, हवाई जहाज उड़ाता है। वास्तुकार क्या करता है, भवन का नक्शा बनाता है। नंबर अंगा पर चलते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर पहला है बच्चों, प्रश्न नंबर एक है, अस्वस्थ होने पर हम किसके पास जाते हैं। इसका उत्तर है बच्चों डॉक्टर। अस्वस्थ होने पर हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर। नंबर एक के सामने अपने को डॉक्टर लिखना है। नंबर दो पे है बच्चों, सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता कौन करते हैं। सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता कौन करते हैं, इसका उत्तर है बच्चों शिक्षक। तो नंबर दो के सामने अपने को शिक्षक लिखना है, सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता कौन करते हैं, शिक्षक। नंबर तीन पे है, हम अपने संबंधियों को संदेश किसके द्वारा भेजते हैं, इसका उत्तर है बच्चों डाकिया। प्रश्न नंबर तीन है, हम अपने संबंधियों को संदेश किसके द्वारा भेजते हैं, इसका उत्तर है डाकिया। नंबर तीन के सामने अपने को डाकिया लिखना है। नंबर चार पे है बच्चों, प्रश्न नंबर चार है, भवन को सुंदर आकार कौन देता है, भवन को सुंदर आकार कौन देता है, इसका उत्तर है बच्चों वास्तुकार। भवन को सुंदर आकार कौन देता है, वास्तुकार। अस्वस्थ होने पर किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। सभ्य नागरिक बनने में हमारी सहायता कौन करते हैं, शिक्षक। हम अपने संबंधियों को संदेश किसके द्वारा पहुंचाते हैं, डाकिया। भवन को सुंदर आकार कौन देता है, वास्तुकार। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर चार की तरफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक है बच्चों, हमें सहयोगियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें सहयोगियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका उत्तर के लिए बच्चों अपने को 46 पेज पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर एक है बच्चों, हमें सहयोगियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका उत्तर है बच्चों, समाज को बेहतर बनाने के लिए कई सहयोगियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। समाज को बेहतर बनाने के लिए कई सहयोगियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, प्रश्न नंबर एक का उत्तर है। प्रश्न नंबर दो पे है बच्चों, डॉक्टर के पास हम कब और क्यों जाते हैं। प्रश्न नंबर दो है बच्चों, डॉक्टर के पास हम कब और क्यों जाते हैं, इसका आंसर है बच्चों 46 पेज पे। प्रश्न नंबर दो का आंसर है, जब हम अस्वस्थ होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लगने पर भी वह हमारी मरहम पट्टी भी करता है। प्रश्न नंबर तीन है बच्चों, शिक्षक हमें क्या क्या सिखाते हैं, शिक्षक हमें क्या क्या सिखाते हैं। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है बच्चों, शिक्षक विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं, विद्यालय में वे विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ हमें अच्छी आदतें व शिष्टाचार भी सिखाते हैं। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है, शिक्षक विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं, विद्यालय में वे विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ साथ हमें अच्छी आदतें व शिष्टाचार भी सिखाते हैं। प्रश्न नंबर चार है बच्चों, डाकिया क्या कार्य करता है, डाकिया
क्या कार्य करता है? इसका उत्तर है बच्चों, डाकिया संदेशों को हमारे मित्रों एवं संबंधियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। डाकिया क्या कार्य करता है? डाकिया संदेशों को हमारे मित्रों तथा संबंधियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, इंजीनियर अपना कार्य किस प्रकार करता है? इंजीनियर अपना कार्य किस प्रकार करता है? इसका उत्तर है बच्चों, इंजीनियर वास्तुकार के बनाए गए नक्शे के अनुसार कार्य करवाता है। इंजीनियर वास्तुकार के बनाए गए नक्शे के अनुसार कार्य करता है। इंजीनियर अपना कार्य किस प्रकार करता है? इंजीनियर वास्तुकार के बनाए गए नक्शे के अनुसार कार्य करता है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, और जब तब तक आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर खाली स्थान इन सबको अच्छी तरह से याद कीजिए। सही गलत जोड़ियाँ जो भी हैं इन सबको अच्छी तरह याद कीजिए और चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।